नमस्कार, न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूँ रूपम सिंह। अभी हमारे साथ हैं कृष्णा यादव जी, जो कि एक्टर हैं, और अभी जो कंगना रानावत जो व्यादित बोली है, उन्होंने कहा है कि 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो भीख में आज़ादी मिली थी, और अभी जो 2014 के बाद हमें आज़ादी मिली है। और यह भी एक एक्टर हैं, मैं उनसे पूछूंगी कि वो उन्होंने जो जवाब दिया है क्या वो सही है। और इनसे मैं ये पहले बोलना चाहूंगी कि अभी आप जो भी बोलिएगा वो लालू यादव के आवाज़ में बोलिएगा, क्योंकि आपको जूनियर लालू कहा गया। उनको सोचना चाहिए कि देश को आप सम्मान कर रहे हो या अपमान कर रहे हो, तो देश के लोग जो है आपको माफ़ नहीं करेगा। अरे ठीक है, बीजेपी के आप सपोर्ट करते हो एक अभिनेत्री के तौर पे, पूरा देश आपको देख रहा है, लेकिन इस तरह का बयान देना, आप देश से बड़ा थोड़ी ना हो, देश से आप हो, तो इस तरह का बयान देना हमको नहीं लगता है कि कंगना जी को ये सब बोलना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि भाई देश 14 के बाद आज़ाद हुआ कि 14 से पहले, तो ये तो सब लोग जानते हैं। इनकी मेंटलिटी क्या है, ये बताना क्या चाह रही है, ये बीजेपी की तरफ से परोसना क्या चाह रही है। कंगना जी क्या परोसना चाह रही है, ये दिखा रहे हैं कि भाई बीजेपी हमको दे दिया इनाम पद्मश्री, तो बीजेपी रूपी वाला पद्मश्री इनको मिला है, तो देख रहे ढिंढोरा पीट रहे कि मिल गलो पद्मश्री मिल गलो। अरे नाचते रहो भाई, उसका क्या वैल्यू, जो देश के जनता आपको पद्मश्री देगा राष्ट्रपति महामहिम जी वो, और आप बीजेपी वाला पद्मश्री लेके घूम रहे हो, तो अंतर है। तो आप अनर्गल बयान दे रहा है, इसका कोई वैल्यू है भाई? तो ये बीजेपी का पद्मश्री है, बिल्कुल इनाम में बोल रही है, तो हम लोग नहीं पूछते हैं, सब प्रोडक्ट था बीजेपी वाला, तो उसी का ये सब न है, तो हम लोग जानते हैं। पप्पू यादव ने ट्वीट किया है कि 2014 के बाद तो कंगना का जन्म ही हुआ था, और वो भी हुआ होगा, और वो भी मोदी की सरकार के। बिल्कुल पप्पू जी ने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और वो राजनीति के लोग नहीं हैं, एक्ट्रेस हैं, तो उनको अनर्गल प्रवचन से बचना चाहिए। पप्पू जी ने सही कहा, यखनी जन्म ले ली की पर शैक्षित झूठ ततनी अगर से परसु, तो झूठ हम लोग के सामने मत परसु, हम लोग जानते। तो कंगना जी को इस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहिए। कंगना जी क्यों ऐसा कर रहे हैं? बोले तो भाई बीजेपी इनाम दिया, तो बयान दे रही इनाम दिया बीजेपी, तो अनर्गल प्रवचन कर रही है। एक तरफ उन पर हमला होता, हम भी एक्टर हैं, आप तो देखिए हम पर हमला हुआ है, एक पर उन पर खाली जाके एनसीपी वाला गेट नोच देता है तो खाली जेड पल वाई सुरक्षा मिल जाता है। हम लोग को बिहार सरकार एगो बॉडीगार्ड भी नहीं दिया, जो कि दो दो बार हमला हो चुका है, देख सकते हैं। किसलिए कि भाई सच्चाई बोलते हैं, गरीब का साथ देते हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं। कौन हमला किया? बीजेपी वाला। तो हम लोग को सुरक्षा नहीं, उनके लिए वाई सुरक्षा, जो कि मैं भी सुपर 30 फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ काम किया हूँ, जो कि आनंद कुमार बिहार के चर्चित मैथमेटिशियन है, गणितज्ञ हैं, उनके साथ काम करने का हम लोग, उनके अथी पे काम करने का हम लोग काम किए। तो आप दोहरी चरित्र के लोग हो, थोड़ा समझो। और वैसे ही कंगना जी एक एक्ट्रेस हैं, अभिनेत्री हैं, इस प्रकार का उनको प्यार नहीं देना चाहिए। कंगना जी झांसी का रानी का भी रोल की थी हम लोग के टाइम में, वो रंगा लगा रही थी सुपर 30 के टाइम में, कहाँ फेंकैलक कंगना जी, तो बिहार और देश के जनता बता दिया कि कौन सही फिल्म था। झांसी की रानी को अपमानित करने चली थी, और अब देश को अपमानित कर रही है कंगना जी कि 14 के बाद आज़ाद हुआ, तो 47 में का कोहबर हुआ था तोहर। तो जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना था कि कंगना रानावत जी जो विवादित सवाल, जो विवादित जवाब जो दे रही हैं, उन्हें इनसे बचना चाहिए। हालांकि ये भी कलाकार हैं और वो भी कलाकार हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इस तरह के जो बयानबाजी की है वो साफ तौर पे गलत है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि वो झांसी की रानी जैसी कायरोन का पाठ ली थी, और उसमें उसको अपमानित करने का ये काम किया है। तो और भी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।